वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मधुकामनी प्लांट के बारे में। मधुकामनी प्लांट एक बहुत ही अच्छा फ्लावरिंग प्लांट है। और ये देखिए, इसका फ्लावरिंग का टाइम चल रहा है, इसमें खूब अच्छी फ्लावरिंग हो रही है, पूरा भर भर के पूरे पेड़ में। देखिए ऊपर से ले के यहाँ, ये देखिए पूरा फूल भरा। और ये देखिए, इसके फूल खिलने के बाद छोटा छोटा सीड पॉड बन जाता है और फिर ये पक जाता है, फिर इसे आप लगा भी सकते हैं। इस प्लांट को ज़्यादा केयर की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। आप इसे जब ये फुल ब्लूम हो जाए उसके बाद आप इसमें वर्मी कंपोस्ट भर कर डाल दें, वही इसके लिए काफ़ी है। और ये सर्दियों में भी ये फ्लावरिंग करता है और ये हरदम फ्लावरिंग करता रहता है। साल के 12 महीने में ज़्यादातर ये फ्लावरिंग करता रहता है। बात कर ले इसके पॉट की, तो आप इसे 12 इंच के गमले में लगाएंगे तो ये बेस्ट रहेगा, ये देखिए। और इसकी मिट्टी एकदम वेल ड्रेन बनाए तो ये अच्छी ग्रोथ करेगा। आप इसमें एक भाग नॉर्मल मिट्टी और एक भाग खाद और एक भाग बालू मिलाकर इसे इसकी मिट्टी तैयार करेंगे तो ये अच्छी ग्रोथ करेगा। और ये देखिए, इसका प्लांट एकदम कितना बड़ा हो गया है, इसमें वो अच्छी फ्लावरिंग हो रही है। और इसे आपके प्लांट में अगर फ्लावरिंग नहीं हो रही है तो आप उसे पूरा प्रून कर दे। प्रून करने के बाद इसमें वर्मी कंपोस्ट डाल दे भर कर, तो इसमें भी खूब अच्छी फ्लावरिंग होने लगेगी। और फ्लावरिंग टाइम पे आप इसे 1 चम्मच DAP और 1 चम्मच फॉस्फोरस के साथ 1-1 चम्मच इसके गमले के किनारे पे मिट्टी निकाल के डाल दे तो ये इसके लिए काफ़ी होगा और ये अपनी ग्रोथ भी अच्छी कर और इसमें फ्लावरिंग खूब अच्छी आएंगी उससे। और इसे आप ऐसी जगह लगाएं जहाँ पूरे दिन की धूप आती होगी। फ्लावरिंग प्लांट को ज़्यादातर पूरे दिन की धूप चाहिए रहती है, इसलिए आप इसे ऐसी जगह लगाएं जहाँ पूरे दिन की धूप आती हो। और इसके फ्लावर में से खूब खुशबू निकलती है, पूरा गार्डन महकने लगता है इसकी खुशबू से, इसलिए आप इसे अपने गार्डन में ज़रूर लगाएं। ये थी इसकी कुछ जानकारी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।